नमस्कार दोस्तों, bhendi.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी के सब्जी खट्टा मीठा। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम करीब भिंडी, 4 मीडियम साइज के आलू, 8-10 कोले लहसुन के, 1 छोटे चम्मच सरसों के दाना, 2 छोटे चम्मच जीरा, बढ़िया 8-10 और 2 सूखे हुए आम। भिंडी को हमने इस तरह से काटा है, इस साइज के, और आलू को थोड़ा बड़े बड़े करके काटेंगे। काट के रख दिया है और लहसुन को हमने कूट के दर दर पीसा कर लिया है, और जो सरसों के दाना और जो जीरा को हमने पीस लिया है। अब प्रेशर कुकर में डालेंगे सब्जी को, आलू को डालेंगे, आलू को डालेंगे, थोड़ी पानी डालेंगे, नमक डालेंगे 1 छोटे चम्मच, हल्दी डालेंगे 1 छोटे चम्मच, बॉईल करेंगे आलू को। प्रेशर कुकर पूरा बंद नहीं करेंगे, लिड को ऐसे ऊपर रखेंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे, तेल डालेंगे, दो छोटे चम्मच, तेल गरम होने के बाद भिंडी को डालेंगे। नमक डालेंगे 8 छोटे चम्मच, भिंडी हो गया है, पानी सूख गया है। हम गैस ऑफ कर देंगे, 5 मिनट तक हम इसे स्टर फ्राई करेंगे। आलू यहाँ पे आधा पक गया है, आधा होने के बाद हम भिंडी को उसमें डालेंगे। मसाले में हम डालेंगे 1 मिर्च, चिली पाउडर डालेंगे अपने हिसाब से, 1 चम्मच हमने डाल दिया है। अब ये आलू और भिंडी हो गया है, हम इसे गैस से निकाल देंगे और कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम बढ़िया को डाल देंगे। तेल डालेंगे 4 से 5 छोटे चम्मच। बढ़िया हो गया है, हम इसे निकाल देंगे गैस से। अब करी पत्ता डालेंगे,
और लहसुन को जो हमने कूट के रखा था उसको डालेंगे। अब लहसुन हो गया है, हम मसाले को डाल देंगे। सूखे हुए आम को डालेंगे, सूखा आम मिलाएंगे अच्छी तरह से। अब पानी डालेंगे आधा कप करीब। मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे। अब सब्जी को डालेंगे। थोड़ी सी पानी डालेंगे। और थोड़ी सी पानी डालेंगे और थोड़ी देर इसे पकाएंगे ताकि मसाला और भिंडी मिल आम सब मिल जाए अपने अंदर। अब हो गया है सब्जी, 4 से 5 मिनट तक पकाया। और अब जो बाकी जो बढ़िया रखे थे उसको डालेंगे। अब गैस ऑफ कर देंगे। अभी हम इसे सर्व कर देंगे। तैयार है आपकी ये भिंडी की खट्टी मीठी सब्जी। आप चाहे तो इसमें चीनी डाल के भी खा सकते हैं। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको। घर पर जरूर बनाइए और हमें बताइए आपको ये कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा जानकारी के लिए www.maninieskitchen.com में विजिट कर सकते हैं। Thank you.